कराची में पहली मरतबा किसी मॉल में बैडमिंटन चैंपियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है और इस चैंपियनशिप में आम लोगों के साथ साथ बहुत ही चैंपियन खिलाड़ी भी यहां पर मौजूद हैं जो कि कराची की जो है ना बेहतरीन प्लेयर्स यहां पर हिस्सा ले रही हैं। इस वक्त यहां पर चैंपियनशिप जारी है और इसमें तकरीबन जो है ना वो 150 की तादाद है जो कि इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने हैं और ये पहली मरतबा यहाँ पे इस इवेंट के इनेकाद किया गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जो कि अपने गेम का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन खास तौर पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी चैंपियंस हैं जिनसे हमारी बात हुई और उनका क्या कहना था। ये बहुत अच्छा एक फैमिली गेम टाइप चल रहा है और सब कुछ यहाँ पे अच्छा है। वी लीड ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, लेकिन बस लाइट का मसला था कि लाइट्स में प्रॉब्लम हुई थी देखने में, लेकिन बाकी सब बहुत अच्छा था। अच्छा एनवायरनमेंट है, मैट का होना और ये पूरा एनवायरनमेंट होना और ये सब बहुत अच्छा होता है और बहुत एक्सपोजर हमें मिलता है वही। लेकिन ये बैडमिंटन है ही इंडोर गेम, तो ये ज़्यादा इम्प्रूव करता है हमारा गेम जब इंडोर खेला जाए। तो इस तरह के टूर्नामेंट्स इस तरह की जगहों पे होने चाहिए क्योंकि यहाँ फैमिलीज़ वगैरह बच्चे सब आ सकते हैं, तो इसलिए हमें बहुत मज़ा आया और ये और ही होना चाहिए और दूसरे मॉल्स में भी होना चाहिए। मैं हूँ मुजम्मिल वसीम और नेशनल प्लेयर हूँ मैं, और माशाल्लाह से इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हुए हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ टूर्नामेंट किसी मॉल्स वगैरह में, और ये बैडमिंटन प्लेयर भी प्रमोट हो रहे हैं, बहुत अच्छा ज़बरदस्त लग रहा है और अरेंजमेंट वगैरह हर चीज़ सही है। सिर्फ लाइटिंग का इशू है जो कि बस हम लोग सेटल हो गए हैं, खेल खेल के आदि हो गए हैं। सबसे पहले तो ये काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर, जो भी मैंने देखा है बहुत अच्छा स्टैंडर्ड के लिहाज से ये टूर्नामेंट हो रहा है, और अल्लाह खैर करे कि वी लीड वाले ने बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज़ किया है, तो मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट भी कामयाब और इस तरीके से मामला जो बैडमिंटन के हवाले से हैं वो चलते रहें। जो ये मैट जो हमारे हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मैट होते हैं, तो बहुत अच्छा एक वी लीड वालों ने सिस्टम किया है कि ये वरना आदमी जिस तरह कहते हैं कि काम चलाने के हवाले से होता है तो आदमी इसको वुडन पे कर देता है या इस पर कर देता है, लेकिन जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो होता है वो यही होते हैं कि ये मैट्स होते हैं जो इन्होंने प्रोवाइड किया, ये काफ़ी खुशाइना है। इस मॉल में जो पहली मरतबा यहाँ पे मैट लगाया गया और खास तौर पे इस चैंपियनशिप के लिए, इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है खिलाड़ियों को कुछ लाइट्स की वजह से, लेकिन वो उसको अवेल कर रहे हैं, लेकिन मुकाबले बड़े शानदार हो रहे हैं, खेलने वाले बड़े तगड़े खेल रहे हैं और एक दूसरे पर वार बड़े बेहतरीन कर रहे हैं, तो देखते हैं कि इस तरह के मुकाबले कहाँ तक जाते हैं।